नमस्कार गैलवियंस, जय गैलवे, जय भारत। मैं कुश आप सभी का स्वागत करता हूं आज फरवरी 2023 महीने के ऑफर के अंतर्गत। मैं कंपनी द्वारा आपके सामने ऑफर आज आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। उससे पहले लीडर्स, जितने लोगों ने जनवरी 2023 महीने में प्रमोशन लिया है, मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन लीडर्स याद रखिए, अभी आपने जस्ट प्रमोशन लिया है, आपको सीखना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग पीडी बने हैं, बहुत सारे लोग ईडी बने हैं, एसटी बने हैं। एक बिजनेस वॉल्यूम करके एक रात में आपका लेवल पीडी था तो आप ईडी बन गए, लेकिन रातों रात ईडी लेवल पर काम कैसे करना है यह सीखना जरूरी है आपको। क्यों? पिछले महीने तक आप पीडी थे, आप अभी ईडी बन गए हैं। आपके टीम का साइज बढ़ गया है, आपको उनको हैंडल करना है, उनको सिखाना है, उनकी जवाबदेही है आपके ऊपर। तो प्रमोशन की तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन साथ के साथ मैं आपको इस जिम्मेवारी का एहसास कराना चाहता हूं। चाहे आपके नेटवर्क में जितने लोग बिजनेस शुरू किए हैं, चाहे व्यक्ति एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, दस हो, जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में समझकर डेमो लेकर गैलवे का प्रोडक्ट खरीदा है, उन सबको प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी, गैलवे कंपनी की संपूर्ण जानकारी इत्यादि सब उन्हें जरूर दे, ताकि जिस तरह से लगभग 20 साल पहले मेरी अपलाइन ने मुझे समझाया था, तो मैंने गैलवे का इस तरह से हाथ पकड़ा और आज तक यहां पर काम कर रहा हूं। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहां एक स्लोगन है, या तो किसी को जोड़ो मत गैलवे परिवार में, और जोड़ दिया तो छोड़ो मत। तो छोड़ना नहीं है, वो हमारी हॉट मार्केट है, वो हमारे अपने भाई है, चाचा है, रिश्तेदार है, दोस्त है हमारे, जिन्होंने गैलवे का प्रोडक्ट खरीदा है। तो एक एक प्रोडक्ट की खासियत, पूरा प्रोडक्ट का डेमो, कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी का बिजनेस प्लान, कि प्रोडक्ट खरीद कर, प्रोडक्ट आगे बेच कर कैसे वो यहां से हजारों की टीम बनाएंगे और लाखों का नेटवर्क बनाएंगे, ऐसे सपनों के साथ वो जुड़े हैं। तो वो चीज आप उन्हें सिखाइए, और उसके लिए सबसे पहले आप खुद सीखिए। साथ के साथ एलसीसी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या है एलसीसी? एलसीसी से क्या फायदे हैं? मेरी चंचल बहन ने स्लोगन दिया था, हर हर गैलवे, घर घर गैलवे। उसका सार्थक करता है हमारा एलसीसी क्लब। आरसीडी बनने के बाद हर महीने 2000 रुपए का आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक साल तक कंपनी बढ़ते हुए क्रम में आपको प्रोडक्ट देती है, और 13वें महीने में आपके पास दो विकल्प है, बढ़ते हुए क्रम में प्रोडक्ट ले लें, या कम पैसे देकर आप अधिक प्रोडक्ट ले लें, यानी डिस्काउंट पर। अपनी अपलाइन से एलसीसी के बारे में पूरा समझिएगा, और अगर आप मुझसे भी सीखना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आपको भी जरूर सिखाऊंगा। तो लीडर्स, आपने प्रमोशन लिया, ये बहुत जरूरी है। शुरुआत है अपना नेटवर्क ट्री बनाए, शुरुआत है आप साथ के साथ प्रमोशन टारगेट बनाए। महीने की शुरुआत है, आप में से कितने लोग हैं जो जीआईजी करना जानते हैं, जो नहीं जानते हैं कितनों को करवा रहे हैं आप, ऐसे सब चीजें बनाए। क्योंकि गैलवे बिजनेस सिर्फ परिवारों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, लीडर खड़े करने का बिजनेस है। जितने लीडर खड़े करेंगे उतना अधिक आप आगे बढ़ेंगे। तो छोटी सी बात आपको बधाई के साथ मैंने कहा है, जरूर ध्यान रखिएगा। लाइफ में आपको ग्रो करना है, आपको अच्छे से सीखना है, समझना है, एक ऐसी अपलाइन बनना है जिससे आपकी डाउनलाइन गर्व करे। कमियां नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी है। गैलवे की सारी ट्रेनिंग एजुकेशन यूट्यूब पर और बाकी जगह अवेलेबल है। और अगर आप में से कोई, अगर बाई चांस अगर आप नहीं जुड़ पाए हैं डायरेक्ट कंपनी से, तो कंपनी का एक लिंक है, व्हाट्सएप पर एक कम्युनिटी का ऑप्शन है,
उस लिंक को आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा आपकी अपलाइन के माध्यम से, और साथ के साथ उस लिंक का जो डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक आपको शेयर किया जाएगा साथ में। वहां पर आप जाकर साथ के साथ आप वहां पर उस पर क्लिक करके डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर डायरेक्ट कंपनी के साथ आप वहां जुड़े, सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो दोस्तों बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। साथ के साथ इस महीने से आधार कार्ड के अंतर्गत ओटीपी जो आएगा, तो आधार कार्ड में आपको मैं बता रहा हूं जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन ज्वाइनिंग का, साथ के साथ ध्यान रखिए आप उसके अंतर्गत जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म में भरे। और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ऑनलाइन ज्वाइनिंग की नई प्रक्रिया को बहुत अच्छे से किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन 20 तारीख से पहले सब लोग फॉर्म जरूर अपलोड कर लें, मैंडेटरी है उसे अपलोड करना, नहीं तो सेल रिजेक्शन में चला जाएगा। और रिजेक्शन में जाने से आप सभी जानते हैं कि वो फिर वो सेल एक तरह से साइड में पार्किंग एरिया में चला जाता है। तो जरूर से जरूर 20 तारीख तो आखिरी डेट है लीडर्स, अगले 2-3 दिन में सब करें और साथ के साथ अपनी आदत डालें, जब कोई बिजनेस शुरू कर रहा है अगले ही दिन साइन करवा के एट ए टाइम अपलोड करवाएं, ये कल्चर डालें अपने टीम में, अपने नेटवर्क में और सब जगह। तो बधाई के साथ आपकी अपलाइन हो, एक निर्देश दिया, क्योंकि नेटवर्क तो बनाते हैं लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग बने और लंबा चले इसके लिए ये आप जरूर करिएगा। चलिए अब मेन आता हूं मैं उसके ऊपर, आपके साथ शेयर करता हूं लीडर्स मैं अपना स्क्रीन, और स्क्रीन को शेयर करके मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ऑफर। ओके, क्या आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। लीडर्स गैलवे ग्रेट स्प्रिंग ऑफर फरवरी 2023 में मैं कुश आप सभी का स्वागत करता हूं। लीडर्स एक शब्द है जिसे बोलते हैं नेटवर्क ग्रोथ। नेटवर्क ग्रोथ, नेटवर्क यानी यहां पर जो हम परिवार को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक नेटवर्क बन रहा है परिवारों का, और उसकी ग्रोथ वो कैसी होती है, किस तरह से होती है, कैसी होनी चाहिए। मैं यहां पर आया, मैंने यहां पर, मैं अकेला ही हूं, सिर्फ मैं अपनी बात खाली कर रहा हूं, मैं अकेला हूं। मैंने प्रोडक्ट का डेमो लिया, प्रोडक्ट का समझा, और मैंने यहां पर गैलवे के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, और साथ के साथ मैं आरसीडी बन गया। लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट लाजवाब है, इसका डेमो देख के लगता है ये प्रोडक्ट तो हर घर की जरूरत है। तो मैंने अपने और दोस्त यारों मित्रों को इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, साथ के साथ मैंने जाना यहां अगर एक नेटवर्क बनता है तो यहां पर मैं एक बड़ा पैसा कमा के अपने सपनों को मैं पूरा कर सकता हूं। तो अगर इस प्रकार अगर हम करते हैं तो मैं एक मिनिमम लेके चलता हूं, कम से कम आप पूरे महीने में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो कम से कम कितने लोग हैं जो कि आपके साथ गैलवे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं? जवाब कोई बोल रहा है 7, यस 6, वेरी गुड 5, 4, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा हो सकता है शायद इससे भी बेहतर हो, लेकिन मैं कम से कम लेके चलता हूं, कम से कम इस फरवरी महीने में क्या 2 लोग गैलवे परिवार के साथ आपके साथ मिलकर आपकी वजह से कम 2 लोग अगर इस परिवार में जुड़ते हैं, तो एक मैं और मेरे साथ 2 लोग नए आरसीडी बन गए यहां पर। तो फरवरी में महीने के आखिरी में हमारी 3 लोग की टीम हो गई। अब 3 लोग मिलकर कम से कम मार्च महीने में, जवाब आप सबसे चाहिए होगा मुझे, मार्च महीने में कम से कम 3 लोग मिलकर कितने लोग की टीम बना सकते हैं, कितने लोग को गैलवे परिवार में शामिल कर सकते हैं लीडर्स? बहुत सुंदर, 8, 12, 10, 6, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि औसत है, कोई तेजी से कर रहा है तो ज्यादा कोई कम, मैं मान के चलता हूं ज्यादा नहीं, 100 चलते हैं। मात्र मार्च महीने में नए 4 लोग नए आरसीडी बनते हैं। इसी क्रम में अगर मैं स्लो ही चल रहा हूं, बहुत तेज नहीं चल रहा हूं, इसी रफ्तार को मेंटेन करता हूं, अप्रैल में 8 लोग, वहीं मई में इसी रफ्तार में, क्योंकि लगातार नए गैलवे परिवार जुड़ रहे हैं, मई में मात्र 16 लोग, मई महीने तक यानी 1 मई को
कम से कम आपके साथ 15 लोग नए गैलवे परिवार में जुड़े हैं, कम से कम एक महीने में साहब 16 लोग तो बड़ी नॉर्मल सी बात है जो टीम बन सकती है। नॉर्मल बढ़ने वाला ग्रोथ है ये, इसको टोटल मान के चले 4 महीने में कम से कम आपकी मिनिमम मान के चल रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग तो लिख, अरे वाह सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 4 महीने में तो कई लोग शायद आरडी बन जाते हैं, यहाँ पर आरडी लेवल के ऊपर आ जाते हैं यहाँ। तो मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं 30 की, स्लो भी चलते हैं। तो अपने नेटवर्क की ग्रोथ आप तय करते हैं कितनी तेजी से चलेंगे या स्लो चलेंगे, बट याद रखिए कामयाबी तो जरूर मिलेगी आपको। तो कम से कम ये स्लो रफ्तार से लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है लीडर्स। तो ऐसे नेटवर्क को आप बड़ा कर रहे हैं। अब अगली बात आती है जो इस महीने का ऑफर है, उसका नाम है 4 मंथ प्लेटून का कॉन्टेस्ट। 4 मंथ यानी कि 4 महीने के लिए ये इकट्ठा एक ऑफर है। प्लेटून, प्लेटून कहते किसको हैं, जो लेवरेज ईडी है उसके पूरा नेटवर्क जो होता है वो सीडी और पीडी, वो उसका प्लेटून है। और लेवरेज ईडी के ऊपर, सॉरी लीनियर ईडी, लीनियर ईडी ऊपर जितने लेवरेज ईडी हैं या फिर ऊपर एसडी हैं, आरडी हैं, एलडीडी और जीडीडी, उनका साइड लाइन जो सीडी और पीडी है, जितने भी लोग आते हैं वो उनके प्लेटून में आते हैं। तो ये है उसकी परिभाषा, वो कॉन्टेस्ट है। अब एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा। चाहे आप बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, आप बहुत सारे धर्म गुरु के सत्संग में जाते हैं, आप देखिएगा बहुत सारे सत्संग में रविवार के रविवार कई बार बड़ी भीड़ होती है जगह जगह पर सत्संग, लेकिन आपको पता है क्या मिलेगा, बहुत सारे लोग रोड पे खड़े होकर आपको रास्ता दिखा रहे होंगे कि सत्संग में जाने का मार्ग ये है। कई लोग वहां पर पार्किंग में गाड़ियां लगवा रहे होंगे, कई लोग वहां पर पानी पिलाते हैं, कई लोग दरी बिछाने का काम करते हैं इत्यादि। यानी ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर इस प्रकार से एक सत्संग का या अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आपको मालूम है इन सबको कितनी तनख्वाह मिलती है? लीडर्स, इन लोगों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, ये लोग श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। ऐसे मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह आपको गुरुद्वारे, हर जगह आपको मिलेगा इस तरह का, जहां पे लोग जॉब में हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना समय देकर वहां पे काम करते हैं, क्योंकि वहां चीजें श्रद्धा पे चलती है। लीडर्स, वैसा ही भाव गैलवे के अंतर्गत अगर बिजनेस बढ़ाना है तो उसी से जुड़ा हुआ भाव हम लोगों में होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कहता है या तो अपलाइन को प्रमोशन दिला दो या डाउनलाइन को प्रमोशन दिला दो, आप कामयाब हो जाओगे। जब आप भगवान जी के सामने जाते हैं तो आप एक ही प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, आप मेरे साथ जो 6 लोगों ने बिजनेस शुरू किया है ना प्रभु, उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपया महीना कमाने के लायक कमा दो। भैया मेरे को माता जी जो दोगे मुझे सब मंजूर है। सोचिए आपकी 6 लाइनें अगर 1-1 करोड़ रुपया महीना कमा रही होगी, जो 6 लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो आप कितना कमा रहे होंगे। लेकिन मन में भाव क्या है, मेरी डाउनलाइन को मुझे बनाना है। वही डाउनलाइन के मन में भाव क्या होना चाहिए, हर महीने कोई ना कोई प्रमोशन होती है, कोई ईडी बनता है, कोई एसडी, कोई आरडी, लाइक दैट। तो एक सीडी और पीडी के मन में क्या भाव होना चाहिए, एक सीडी सोचे मेरा पीडी प्रमोशन हो या ना हो, मैं अपनी अपलाइन को ईडी जरूर बनाऊंगा। एक पीडी के मन में क्या भाव होना चाहिए, मेरा ईडी प्रमोशन हो या ना हो, अपनी पूरी डाउनलाइन में बात करेगा, जो मेरे ईडी सर हैं उनका एसडी प्रमोशन होना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है 15 सेल की, अगर मैं 12 तक भी पहुंच रहा हूं और उससे अपलाइन की प्रमोशन हो रही है, मैं 12 करूंगा ही करूंगा, अपनी अपलाइन को हर हालत में प्रमोशन दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे हिस्से में 15 करने से, उदाहरण दे रहा हूं कि मैं ईडी बनूंगा, लेकिन 12 करने से भी मेरे अपलाइन एसडी बनते हैं। तो भाव ये होना चाहिए
15 हो या ना हो, 12 तो हम सब लोग मिलकर करेंगे ही करेंगे। तो टीम में एक भावना होनी चाहिए अपलाइन के प्रति, अपलाइन को प्रमोशन दिलाने के लिए। और वही अपलाइन बोलेगा, अरे तू क्या बात बोल रहा है, तू 12 की बात कर रहा है, 3 पूरा करवा के तुझे भी प्रमोशन दिलाऊंगा और मैं भी प्रमोशन लूंगा। तो एक बड़ा सुंदर सा कल्चर डेवलप होता है, एक कल्चर का निर्माण होता है एक नेटवर्क में, जहां पे डाउनलाइन अपलाइन के लिए सोचती है, अपलाइन डाउनलाइन के लिए सोचती है। तो ये एक कल्चर होना चाहिए डाउनलाइन में लीडर्स। आज उसी से जुड़ा हुआ मेरा कॉन्टेस्ट है आज, ये आज जो मेरा कॉन्टेस्ट है इसके अंतर्गत 1 फरवरी 2023 से पहले जितने लोग ईडी हैं, एसडी हैं, आरडी हैं, एलडीडी और जीडीडी, ये कॉन्टेस्ट उनके लिए है। फिर सीडी या पीडी बोलेंगे मेरे लिए क्या। तो लीडर्स, इस कॉन्टेस्ट में आपको सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी निभानी है और अपनी अपलाइन को, ईडी को, एसडी को, आरडी को, एलडीडी और जीडीडी को इसमें जितवाना है आपको। यहां पर जब वो स्टेज पर आएंगे, जब उन्हें इनाम मिलेगा, सबसे पहले आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि यस, मैं अपनी अपलाइन को स्टेज पे पहुंचाने में मैंने अपना पूरा योगदान दिया है। तो सीडी और पीडी, आपकी जिम्मेवारी है कि आपके सभी अपलाइन स्टेज पर पहुंचे। वादा करते हैं आप लोग कि आप सबको पहुंचाएंगे। यस, तैयार हो? वेरी गुड, शानदार। क्यों? आज आप उनके लिए बना रहे हो। आपकी डाउनलाइन आज सीखेगी कि हमारे ईडी सर का 4 मंथ प्लेटून कॉन्टेस्ट था, मेरे एसडी सर का, मेरे आरडी का, मेरे एलडीडी का, मेरे जीडीडी का, वो देखेगा तो यार इन्होंने पूरी जान लगा दी थी, तो यार इनकी प्रमोशन है तो हम भी जान लगा के प्रमोशन निकालेंगे। कल्चर डेवलप करना है यहां पर। कर भला, हो भला। आप अपलाइन के लिए समर्पित होइए, अपलाइन के बारे में सोचिए, आपका अपने आप प्रमोशन होगा, अपने आप नेटवर्क ग्रोथ देगा लीडर्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा इस ऑफर में अभी आप सबको अपलाइन पर स्टेज पर पहुंचाना है। योग्यता के साथ क्राइटेरिया क्या है क्वालिफाई करने के लिए, बहुत सरल है। अभी हमने 4 महीने में बात किया था, धीरे 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 चलते हैं तो भी 60 लोगों की टीम बन जाती है। अरे साहब उसको आधा कर दीजिए आप। इस 4 महीने में 24 मई तक अपने प्लेटून से फ्रेश 15 RCD बनाने हैं आपको साहब, कहां 30 और कहां 15। और उस पर भी एक बात समझिए, अकेले नहीं है ईडी एसडी आरडी एलडीडी जीडीडी, आपका प्लेटून है पूरा प्लेटून, जिसमें सारे सीडी जितने पीडी हैं, आपको उनसे मात्र करवाना है ये सेल, उनसे मिलकर करवाना है लीडर्स। तो बहुत आसान है ये, लेकिन हाँ ग्रोथ के साथ कराना है ताकि आपका जो प्लेटून है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप लोग इस प्रकार से काम करें, मैं सभी ईडी को बोल रहा हूं, एसडी को, आरडी, एलडीडी और जीडीडी, खास तौर पे जो लोग ईडी क्लब के अंतर्गत आते हैं, सीनियर में, रीजनल में, नेशनल में, ग्लोबल में, क्राउन में, सीनियर क्राउन में, आप अगले 4 महीने के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से अपने नेटवर्क को 6-6 लाइनों में एस्टेब्लिश कर लेंगे इस ऑफर के तहत, ताकि वहां पर आप आसानी से हर महीने अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें। करना क्या है, 6 लाइनों को हर महीने क्वालिफाई करवाना है, साइड लाइन का क्राइटेरिया खत्म। उसी को करने के लिए ये ऑफर बनाया गया है, इस पर काम करना है आपको। बढ़ते हुए क्रम में है, 1 फरवरी से 24 फरवरी, डेट याद रखिएगा। वैसे तो बाकी प्रमोशन में सब चलेगा, लेकिन आपको प्लेटून 4 मंथ प्लेटून कॉन्टेस्ट में आना है तो न्यू आरसीडी 24 तारीख तक हर महीने के बनाना है। फरवरी में कितना, 2 बनाना है, 2 से अधिक बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 10 बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए, बहुत अच्छा है, मिनिमम 2 है। 1 किया बाहर हो जाएंगे आप, इसी समय बाहर हो गए, फरवरी में ही बाहर हो गया। मार्च महीने में 24 तारीख तक, 1 से 24 के बीच में अपने उसी प्लेटून से जितने लोग आपके साथ हैं, 3 फ्रेश आरसीडी बनाने हैं।
पहले के भी आपके पास टीम है, 5, 10, 15, 20, 25 लोग आपके पास पहले से ही है, नए बनाते गए, मात्र 3 नए फ्रेश आरसीडी अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से अपने प्लेटून से 4 फ्रेश आरसीडी बनाने को, कितना सरल टारगेट है, कितना छोटा है, धीरे धीरे करते हुए। और लीजिए 1 मई से 24 मई, कहां हमने मई के महीने में बोला था 1 महीने में आसानी से 16 लोग तो आराम से कर लेंगे, मात्र यहां 6 लोगों की बात हो रही है, 6 फ्रेश आरसीडी की टीम बनानी है आपको। इस तरह से धीरे 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 धीरे, और मैं सभी अपलाइन को बोलूंगा, आपके जितने ईडी हैं, जितने एसडी, जितने आरडी, जितने एलडीडी, जीडीडी, सबको 6 लाइनों का टारगेट लेके चले, ताकि 4 महीने में सब लोग क्राउन के लिए फाइट करें। उनको साइड लाइन जो है, प्लेटून है, उनके बिजनेस वॉल्यूम के लिए कभी सोचना ना पड़े, उसी के लिए ऑफर लाया गया है लीडर्स। याद रखिए, यानी कि 24 मई 2023 तक आपके पास नए फ्रेश 15 डायरेक्ट आरसीडी की टीम होनी चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये हुआ क्राइटेरिया। उसी क्राइटेरिया को यहां लिखकर दिखाया, याद रखिए हर महीने जितना बोला है कम से कम मिनिमम उतना होना जरूरी है, अगर उससे 1 भी कम हुआ उसी समय आप ऑफर से बाहर हो जाएंगे। 1 हुआ क्राइटेरिया, टोटल 3 क्राइटेरिया है। दूसरा मैंने क्या बोला, एक तरफ नेटवर्क बिल्ड करना है, दूसरी तरफ परिवार को अपने साथ जोड़कर एलसीसी का फायदा दिलाना है। तो 24 जून 2023 तक जो ऊपर आपने 15 फ्रेश आरसीडी बनाए हैं, उनमें से 15 में से 12 लोग जो फ्रेश आरसीडी है, जिनको आपने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आरसीडी बनाया है, उनको एलसीसी में क्वालिफाई कराना है। डिटेल में आपको अगले पेज पे बनाऊंगा। इसका क्या मतलब है, आपके नेटवर्क में, आपके प्लेटून में आज भी बहुत सारे लोग एलसीसी लगा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उनसे तो आप लगवाएं। लेकिन इस ऑफर के तहत, इस ऑफर में आने के लिए पहली कंडीशन 15 आरसीडी की है, और जो आप बना रहे हैं इन लोगों में से 12 को आपको एलसीसी में लाना ही लाना है, ये याद रखिए। डिटेल अगले पेज पे समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तीसरा, जो आप काम कर नहीं सकते हैं किसी से करवा नहीं सकते हैं, सबसे पहले आपको खुद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस ऑफर के अंतर्गत लगातार, फिर तो कंटिन्यू करना ही है, 24 तारीख से पहले 2000 रुपए का सामान खरीदकर आपको एलसीसी के अंतर्गत आना है, एलसीसी आपको क्वालिफाई करने हैं। अगर ब्रेक हो गया कंडीशन, पहला और दूसरा क्राइटेरिया पूरा है, तीसरा रह गया तो दिक्कत है। इसमें भी कई बार लोग गलती करते हैं, 2000 की पूरी बिलिंग करते हैं जिसमें 75 रुपए, कई बार अगर आप गैलवे काटने जा रहे हैं तो कोरियर चार्ज लग जाता है, लोग बोलते हैं सर मेरा मिस हो गया, गलती ना करें, कोरियर चार्ज चेक कर लें, कोरियर चार्ज के अलावा मिनिमम एलसीसी के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपको क्वालिफाई करना है, तो आपका होना जरूरी है एलसीसी में। और 30 तारीख को इंसेंटिव आता है लीडर्स, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आज अभी इसी पल जिन लोगों ने एलसीसी में अभी नहीं किया है, तुरंत अभी के अभी एलसीसी क्वालिफाई करें, और अधिकतम डेट रखें 30 तारीख को, क्योंकि पैसा आ ही जाता है, अधिकतम आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि डाउनलाइन चेक करती है, कभी आपसे सवाल पूछ लेगी सर कितनी तारीख को करते हैं, आप बोलेंगे 24 तारीख को, एक तो ये तरीका है, और एक दूसरा तरीका क्या है, आप मीटिंग ले रहे हैं, लोगों को एलसीसी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ये मैं बात सभी ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी सभी को कह रहा हूं, आप मीटिंग ले रहे हैं और वहां बोलेंगे ये देखो 2 तारीख को मैंने अपना एलसीसी कर लिया, क्योंकि बिल्कुल महीने के शुरू में करना चाहिए, डुप्लीकेशन जाएगा और पूरी टीम उसी समय करेगी, मैंने तो कर लिया। ऐसे दिखाने की जरूरत है, फोटो बनाकर पूरे ग्रुप में वायरल करने की जरूरत है, आप समझाएंगे, एक्शन है मोर साउंड देन स्पीकिंग, बोलने से ज्यादा करके दिखाने में दम होता है लीडर्स, आप बोलेंगे ना लोग आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, एक्शन करेंगे, भरोसा करेंगे कि नहीं यार, क्योंकि लोग बोलेंगे एलसीसी इतना अच्छा है तो ऐसे अप्लाइंग खुद क्यों नहीं कर रहे हैं, आप खुद क्यों कर रहे हो 23 तारीख को और 24 तारीख को। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा एक सलाह है, आप एलसीसी तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं 60 पीवी का क्राइटेरिया भी बाकी बहुत सारी चीजों के लिए है, तो लोग कई बार इसमें गलती कर बैठते हैं, जैसे कि रॉयल्टी लेने के लिए
ये बहुत जरूरी है क्लब क्वालिफिकेशन के लिए, 150 पीवी जरूरी है, तो ध्यान रखिए। और मेरा सलाह है जितने भी लोग रॉयल्टी के अंतर्गत आ जाते हैं उनको याद रहना चाहिए रॉयल्टी लेने के लिए 60 पीवी करना जरूरी है। तो 60 पीवी वो साथ के साथ कर ले। गलती क्या होती है, एलसीसी तो कर लिया, सोचते हैं बाद में करेंगे, कई बार भूल गए, घर में कोई परेशानी आ गई तो साहब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर। तो इसीलिए साथ के साथ करें, जिनका जिस लेवल के अकॉर्डिंग पीवी है, जो आदमी एम्बेसडर में जा रहा है उसको 150 करना है, आप सब जानते हैं, तो वो शुरू में ही कर लें। तो ये आप कर लेंगे क्राइटेरिया वन। इसमें स्पेशली लिख दिया गया है न्यू आरसीडी एलसीसी में क्वालिफाई कराने की आखिरी तारीख हर महीने की 24 है, याद कर लीजिए 24 है, यानी 24 से पहले इस क्लब में आने के लिए आपको टीम बनाना है। क्राइटेरिया टू पे चलते हैं, ये दूसरा जो आपको बताया था वही है क्राइटेरिया, दूसरे नंबर क्राइटेरिया का डिटेल वर्जन है ये, कि इसमें क्या है, मार्च, आप फरवरी 2023 में न्यू आरसीडी बनाते हैं तो उसमें से कम एक आरसीडी को मार्च में एलसीसी क्वालिफाई कराना अनिवार्य है। अब देखिए आपके पास पुराने लोग यहां पर आपके साथ, यहां पर मैं वो बात आपको कह रहा हूं, पहले के भी लोग हैं, दो लोग नए बन रहे हैं, कम से कम 5-7-8 भी हो सकते हैं, एक से कराना है वही फरवरी महीने में, अप्रैल में आता हूं मार्च के बाद, तो क्या है, आपने मार्च में जिनको क्वालिफाई करवाया था बाय डिफॉल्ट उनको अप्रैल में, मई में और जून में भी क्वालिफाई कराना है। उसी व्यक्ति को मार्च में, जिस एक व्यक्ति को क्वालिफाई कम से कम आपने कराया है साहब, कम से कम एक मिनिमम जरूरी है, उसको आपको जून तक लेके जाना है। वैसे ही अप्रैल में जिन दो लोगों को आपने कम से कम करवाया, किन लोगों से, जो फरवरी और मार्च के बचे हुए लोग हैं, क्योंकि एक को तो एलसीसी आपने करवा दिया है, दो को करवा जो बच गए हैं, बाकी लोगों से भी आपको अप्रैल में, मई में और जून में करवाना मैंडेटरी है। वही आगे बात करूं मई महीने की, लीडर्स तो मई महीने के अंतर्गत क्या करना है पढ़िए, फरवरी और मार्च अप्रैल जितने भी न्यू आरसीडी बनाएंगे उनमें से 3 आरसीडी जिन्होंने अपने अप्रैल में एलसीसी लगवा दी, अप्रैल में तो लगवा दिया, एक तो मार्च वाले एक व्यक्ति को अप्रैल में कराया, अप्रैल के दो नए व्यक्ति को कराया, तो उनको तो एज इट इज मई में करवाना ही है। उसके अलावा जितने लोग बच जाते हैं उन लोगों से यहां पर 4 लोगों से न्यू एलसीसी लगवाना है, टोटल हो जाएंगे 7। अब इसी तरह से जून के महीने में भी अगर आप जाएंगे तो जून के महीने में भी सेम बात है लीडर्स, यहां जून महीने के अंतर्गत भी यही है, जून महीने के अंतर्गत भी यही है कि जो फरवरी तक थे, फरवरी मार्च अप्रैल मई 2023 में जितने न्यू आरसीडी आपने मई तक बनाए, जो मैंने कलर से भी आपको दिखाया हुआ है, मार्च वाला ब्लू कलर है, अप्रैल वाला ग्रीन कलर है, मई वाले रेड कलर में है और जो बाकी है वो जून कलर के हैं, तो उतने नए एलसीसी बाकी लोगों से लगवाना है आपको। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट ग्रोथ में जाना है। अब बात आती है यहां पर अवार्ड की, कंपनी ने आपके लिए अवार्ड एक लिखा है तो इसका मतलब दूसरा भी है, तो अवार्ड बड़ा है लीडर्स, तो अचीवमेंट को ठीक से करें। अवार्ड में क्या है, सबसे पहले फरवरी 2023 से मई 2023 तक कंपनी के टोटल बीवी टर्नओवर से हर महीने 2% पूल में इकट्ठा किया जाएगा और सभी क्वालिफायर्स को उनके कमाए हुए पॉइंट्स और पॉइंट वैल्यू के आधार पर बांटा जाएगा। आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे और जितने ज्यादा पॉइंट उतना ज्यादा लीडर्स पैसा। तो ज्यादा पॉइंट कैसे कमाते हैं मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको मैं अभी बताऊंगा कंपनी में ये नियम चलता है। हमारे यहां पर बहुत सारे क्लब हैं, ईडी क्लब है, एसडी क्लब है लीडर्स, हमारे यहां पर एम्बेसडर क्लब है, जो जितना कंपनी ने अपना टर्नओवर डालना है, जो जितना उसमें अपना हिस्सा लेकर आता है उसके अकॉर्डिंग उसका इंसेंटिव बढ़ता है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्वालिफाई करता है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे एलडीडी और जीडीडी क्लब में, जो स्टार क्लब है, एलडीडी क्लब है, जीडीडी क्लब है, पूरी कंपनी के टर्नओवर का पैसा जाता है। पहली बात, उसमें जाते कौन एलडीडी और जीडीडी है, जो क्वालिफाई करते हैं। दूसरा, जो जितना अधिक बिजनेस लेकर जाता है उसको उतना अधिक उसमें पैसा मिलता है लीडर्स।
तो ये समझिए पूरी कंपनी के टर्नओवर की बात है, तो आपको भी उसी हिसाब से अब ज्यादा पॉइंट कमाना है। सीडी और पीडी आपको अपनी अपलाइन को सबसे ज्यादा पॉइंट कमाना, लेकिन ये पहला जो पॉइंट है ये तो डिस्ट्रीब्यूटर आप ही के लिए है, ईडी एसडी आरडी एलडीडी जीडीडी आपके लिए है। आप अगर किसी नए फ्रेश अगर एक व्यक्ति को डायरेक्ट आरसीडी बनाते हैं तो 100 पॉइंट मिलेगा, अगर आपने दो डायरेक्ट कर लिया तो दूसरे पर आपको 50 मिलेगा, इस तरह से तीसरे पर भी 50 मिलेगा, यानी डायरेक्ट अधिकतम आपको 600 पॉइंट तक मिल सकता है डायरेक्ट करने पर। तो बहुत सारे लोग हैं जो उनका टीम तो चल रहा है, लेकिन आज मैंने बात कही है कि 6 लाइनों को लेकर साथ में चलो इस ऑफर के अंतर्गत, इन ऑफर में अपलाइन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, लेकिन डाउनलाइन मदद करेगा तो 4 महीने में आपके नीचे 6 अलग अलग लाइनों में स्ट्रॉन्ग क्वालिफाइड ईडी का नेटवर्क बन जाएगा लीडर्स, उसके लिए ये आपको ऑफर दिया गया है लीडर्स। दूसरा है टीम के जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे लीडर, टीम में जितने ज्यादा पॉइंट होंगे, एक मिनट आई एम सॉरी, हाँ अगला है टीम में जितने ज्यादा पॉइंट होंगे, पहली बात 15 तो फ्रेश आरसीडी आपको बनाना है क्वालिफाई करने के लिए, कंपनी ने सीधा दे दिया 750 पॉइंट, यानी प्रति आरसीडी 50 पॉइंट। उसके बाद जितने आप फ्रेश आरसीडी बनाएंगे हर किसी पर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा 100। लीडर्स ये समझिए 4 महीने में अगर आपने 15 की जगह 115 नए आरसीडी बना दिए तो आपका पॉइंट कितना मिलेगा खुद गुना कर लीजिएगा, 100 लोगों पर 100 पॉइंट, तो 100 पॉइंट गुना 100 छोड़िए कितना पॉइंट हुआ, और 750 पॉइंट, तो जितना ज्यादा उतना फायदा। अगला एलसीसी में भी है, 12 एलसीसी तो क्लियर है कि आपको मिनिमम करना है और 1200 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, इसलिए बोला है जितने ज्यादा न्यू आरसीडी बनेंगे उतना अधिक पॉइंट, जितने ज्यादा न्यू आरसीडी को आप एलसीसी में लाओगे उतने ज्यादा अधिक पॉइंट मिलेंगे, 12 के बाद हर अगले व्यक्ति पर आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। तो लीडर्स ये अधिक पॉइंट कमाने पर इस क्लब में जिसमें कंपनी अपना 2% डाल रही है 4 महीने तक लगातार, फरवरी मार्च अप्रैल और मई 4 महीने, पहला ये है। दूसरा अवार्ड टॉप 10 पॉइंट अर्नर, अभी मैंने क्यों बोला ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बनाइए, देखिए जो टॉप के 10 लोग होंगे उनको कंपनी बाइक खरीदने के लिए 50,000 रुपए का इनाम देगी, और ये अमाउंट उनके बाइक फंड में दिया जाएगा ताकि आप सभी सीडी और पीडी अपनी अपलाइन के साथ शोरूम पर जाके उनको बाइक दिलवा सके, तो बाइक फंड में दिया जाने वाला है। तो सोच लीजिए आप सभी सीडी और पीडी अपनी सभी अपलाइन को जोर लगा दीजिए कि आपकी अपलाइन के सबसे ज्यादा अधिक पॉइंट होने चाहिए। कुछ नियम व शर्तें हैं, ईडी के प्लेटून में जो पुराने आरसीडी नहीं बने हैं, एक सवाल आ सकता था पहले जवाब क्लियर कर दिया, उन्हें केवल फरवरी 2023 महीने में आप आरसीडी बना सकते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है लीडर समझिएगा कि पहली बात जनवरी महीने के अंदर मान के चलो मैंने मेरे या मेरे नेटवर्क में मैंने किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराया, वो भी हो सकता है, या मेरे नीचे सीडी और पीडी के नीचे जनवरी में 150 पीवी हुआ, फरवरी में भी अगर 150 पीवी कर लेते हैं तो आप जानते हैं 0+1 मंथ में 300 करने से आप आरसीडी बन जाते हैं, तो वो भी आरसीडी मान्य होगा। कोई 600 पीवी से करता है 7 के साथ बन रहा है, मान के चलिए आप जानते हैं 0+1 मंथ निकल जाने के बाद 500 पीवी करना होता है, थोड़ा 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 करके मान के चलिए जनवरी महीने तक उदाहरण किसी का 450 पीवी हुआ था, फरवरी में अगर वो मात्र 50 पीवी कर लेगा तो टोटल 500 हो जाएगा, तो वो भी आपका न्यू आरसीडी कहलाएगा, और उसके वो अगर न्यू आरसीडी बना तो एलसीसी में वो भी अगर आगे क्वालिफाई करेगा तो काउंट होगा, लेकिन उसके लिए मात्र फरवरी का महीना है जितने भी जनवरी तक के लोग थे, बाकी जो भी हैं मार्च अप्रैल मई माह में केवल फ्रेश आरसीडी आप बना सकते हैं, यानी कि
फरवरी में मान के चलिए मैंने क्या किया, इस महीने पहली बात अलग अलग है, लोग 600 पीवी से शुरू कराते हैं, कोई 300 से कराता है, मान के चलिए मैंने 150 से करा दिया, फरवरी में 150 करा दिया, मार्च में 150 करा दिया, तो मार्च में वो आरसीडी बन जाएगा। किसी वजह से मार्च में मैंने 100 ही कराया, फरवरी में 150 कराया तो हुआ 250, 250, 250। वही कहीं ना कहीं फिर अगला अप्रैल में मैंने बाकी कर दिया 250, क्योंकि चाहिए 500, तो अप्रैल में वो व्यक्ति बन गया आरसीडी। या फिर मई में कर ले बैलेंस, तो ये सिर्फ छूट जो फरवरी में जुड़ेंगे उससे आगे वालों के लिए है। पुराने लोग जितने भी हैं जो 31 जनवरी तक आरसीडी नहीं बने हैं, उनके लिए मात्र फरवरी का महीना है। अगला प्लेटून की परिभाषा मैं बता चुका हूं, फिर भी 1 फरवरी 2023 में आपके नेटवर्क में जो डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल पीडी या इससे नीचे है, वह इस ऑफर के तहत आपका प्लेटून कहलाएंगे। इस कॉन्टेस्ट के लिए आपके प्लेटून नेटवर्क को 1 फरवरी से लॉक कर दिया जाएगा। उदाहरण समझ लेते हैं, 1 फरवरी 2023 को आपके टीम में कोई पीडी है और वह मार्च 2023 में ईडी बन जाता है, तो भी इस कॉन्टेस्ट के लिए आपका प्लेटून ही माना जाएगा। पीडी है लॉक हो गया, कोई सीडी है लॉक हो गया, अगले 4 महीने में वो पीडी बन, सीडी पीडी बन जाए, ईडी बन जाए, एसडी बन जाए, आरडी बन जाए, पीडी जो है वो पीडी बन जाए, कुछ भी लेवल हो जाए, वो आगे तक 4 महीने में आरडी चाहे बन जाए, वो आपका प्लेटून ही कहलाएगा। और वो जो आपको टारगेट दिया गया है उसके अचीव करने से आपका टारगेट पूरा हो जाएगा लीडर्स। तो लॉक कर दिया गया है यहां पर। न्यू आरसीडी कौन से हैं, मैंने आपको बता ही दिया है, या तो फ्रेश बनाओ या जनवरी महीने तक जो लोग आरसीडी नहीं बने हैं तो बैलेंस करके मात्र फरवरी महीने में बन जाओ आरसीडी, तो वो भी न्यू आरसीडी में आ जाएंगे न्यू आरसीडी बनाने। और एलसीसी में क्वालिफाई करने की डेट आखिरी 24 तारीख है, ये ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा लीडर्स। बाकी का इंसेंटिव की गणना जैसे बाकी आपको मिलता है बिजनेस प्लान के हिसाब से ही मिलेगा। तो लीडर्स ये था आपके सामने, मैंने यहां पर शेयर किया अपना फरवरी 2023 महीने का ऑफर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अप्लाई पूरे जोश में होंगे इस ऑफर को अचीव करने के लिए, और उससे ज्यादा आप डाउनलाइन अपनी अपलाइन को बनाने के लिए उत्साहित रहिए, क्योंकि मौका मिला है डाउनलाइन को अपलाइन को बनाने का। अपलाइन तो हमेशा बनाती है, उसका काम ही है बनाना, आज मौका दिया है इस ऑफर ने कि आप अपलाइन को बनाएं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आज ही प्लानिंग कर लें क्योंकि आखिरी डेट हर महीने की 24 तारीख है। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी को, आखिरी में धन्यवाद, जय गैलवे, जय भारत।